यह जीवन का क्या अर्थ है यह हमें ही समझना पड़ेगा, हमको खुद को उसका अर्थ निकालना पड़ेगा। तो ये वीडियो के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आइए, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोह तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला, नागपुर, पुणे, मुंबई, यहाँ हम प्रैक्टिस करते हैं, हमारा हॉस्पिटल है। जीवन में एक्चुअली क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है, वो हर एक जन अपने अपने हिसाब से अर्थ ढूंढने की कोशिश कर रहा है। लोग भागम भागी कर रहे हैं, सुबह से उठते हुए लोग बस भाग रहे भाग रहे। काफ़ी सारी डिज़ायर्स हमको है, हमको ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, और उसके लिए भागना चालू है। और चाहिए करके, जो चाहिए वो मिला तो फिर और चाहिए, इसलिए भागम भाग चालू है। फिर यहाँ मिलता नहीं, ऐसा लगता है कि नहीं, मैं कहीं मंदिर में जाऊँ, मस्जिद में जाऊँ, भगवान के पास में जाऊँ, कोई बाबा महाराज के पास में जाऊँ, उसका आशीर्वाद अपने सिर के ऊपर रखूँ, उसका हाथ, और फिर मुझे चाहिए वो मिल जाएगा। मन में अशांति है, मन में खुशी नहीं है, और लोग भाग रहे। इसका करना क्या है, मतलब शांति कब मिलेगी, खुशी कब मिलेगी, आनंद कब आएगा, मज़ा कब आएगा ज़िंदगी में, वो भी देखना पड़ेगा कि कर रहे क्या। हम सोचते क्या है कि मुझे ये मिलेगा तो मैं खुश हो जाऊँगा, कॉलेज की एडमिशन हो गई तो मैं खुश हो जाऊँगा, फिर नौकरी लग गई तो मैं खुश हो जाऊँगा, फिर प्रमोशन हो गया तो मैं खुश हो जाऊँगा, शादी हो गई तो खुश हो जाऊँगा, लड़की मेरे पसंद की मिल गई तो खुश हो जाऊँगा, लड़का हुआ तो खुश हो जाऊँगा, बिजनेस अच्छा चलेगा तो मैं खुश हो जाऊँगा। मतलब चालू है कि भाई कुछ तो भी मिलेगा और मैं हैप्पी हो जाऊँगा, और फिर कोई एग्ज़ाम है वो क्रैक कर दिया मैंने तो मैं खुश हो जाऊँगा। मतलब हम उसके लिए दौड़ रहे हैं कि भाई ये करूँगा तो, वो करूँगा तो, एक्चुअली क्या है, भाग रहे हैं और खुशियाँ बाहर ढूंढ रहे हैं। अभी खुश नहीं हूँ मैं, मुझे कुछ तो भी करना पड़ेगा और मैं खुश हो जाऊँगा, और ये चक्कर में, रेस में ये सब भागम भागी चल रही है, रैट रेस है, और रैट रेस में लोग भाग रहे हैं। किसको पता ही नहीं है कि हम क्यों भाग रहे हैं। जीवन जीने का है, सर्वाइव करना है, कैसे भी करके सर्वाइव करना है, सुबह से उठे रात को सोने तक बस सर्वाइव करना है। लोग एक तो जो अतीत हुआ है उसके बारे में चिंता है, या उसके बारे में कोई फिक्र है, या नर्वसनेस सैडनेस है, जो भी हुआ है अतीत में उसके बारे में सोच रहे हैं, या फिर फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, उसकी चिंता कर रहे हैं, और अभी ये जो मोमेंट है, अभी ये जो क्षण है प्रेजेंट का, अभी यहाँ प्रेजेंट टू द प्रेजेंट है ही नहीं, लोग वर्तमान में है नहीं। जो लगता है जो अपने हाथ में है, ये जो मेरे हाथ में है वो नहीं है, मुझे और कुछ तो भी चाहिए, जो हाथ में वो नहीं है वो मेरे को तो अच्छा जो चाहिए था वो मिल भी जाता है, लगता है कि फिर मैं उसके लिए दौड़ रहा था, उसके लिए मैं भागम भागी कर रहा था, वो तो ये नहीं है, मुझे तो और कुछ तो भी चाहिए, और फिर और चाहत बढ़ते जाती है, अलग चाहत हो जाती है और भागना शुरू हो रहा है। और जब मुझे आगे बढ़ना है ज़िंदगी में तो फिर किसको तो भी मुझे पीछे खींचना पड़ेगा, ये लोगों को लगता है। मतलब मैं आगे बढ़ूंगा, मुझे प्रमोशन मिलेगा तो किसका डिमोशन होना चाहिए, या वो उसको पीछे मैंने करना चाहिए। मुझे जो खुशी मिली है या मुझे जो सफलता मिली है उसका मुझे सुख या आनंद होना चाहिए, तो वो तो होता ही नहीं है, मगर किसको खुशी मिली है तो उसका दुख मुझे ज़्यादा होता है कि उसको कई सफलता मिली, तो वो जीलसी जो है, मत्सर द्वेष जो है, गुस्सा, वो हमारा बढ़ते रहता है कि नो उसको कैसे ज़्यादा मिला, और उसके लिए फिर मैं देखते रहता हूँ कि नहीं उसको नहीं मिलना चाहिए, मुझे नहीं मिला तो चलता है, मुझे एक बार नहीं मिला चलेगा, उसको नहीं मिलना चाहिए, और फिर उसके लिए फिर लोग ये कर रहे हैं कि भाई मारामारी है, पैर खींचना है, सामने लोग अच्छा बोलेंगे पीछे से खंजीर मार देंगे, सामने से बस ऐसा लग रहा है कि बस अपना बहुत करीब का दोस्त है, अपना जो हितचिंतक है ऐसा सामने से लगेगा, पता नहीं पीछे से कब पीठ में छुरा मार देगा, मालूम ही नहीं पड़ेगा। मतलब दुश्मन कोई सामने से आ रहा है और वो अपने को मार रहा है तो वो पुरता है, क्योंकि वो सामने तो भी है, मगर काफ़ी सारे लोग जो हमें रोज़ मिलते हैं, जो हाय हेलो करते रहते हैं, शेक हैंड करते रहते हैं, बताते रहते कि प्यार है, और फिर पीछे से कब मार देंगे मालूम ही नहीं पड़ता। तो फिर करना क्या है, ये सब है तो करना वही है कि भाई हमें पावरफुल बनना पड़ेगा, मुझे वॉरियर बनना पड़ेगा, और मुझे भागम भागी करने के बदले जो क्षण है वो क्षण में 100% मुझे देना पड़ेगा, 100% मैं दे रहा हूँ, जो क्षण में मैं जी रहा हूँ वहाँ 100% दे रहा हूँ। ऐसा बोला जाता है कि भाई बी प्रेजेंट टू द प्रेजेंट, अभी वर्तमान में रहो,
ऐसा जो कि अभी का जो क्षण है वो क्षण है और अभी मैंने ये जन्म में मतलब ये जीवन में मैंने जन्म लिया है, ऐसा जो कि भाई आज का पहला दिन है और आज का आखिरी दिन है। प्लानिंग ऐसा करो कि मुझे 100 साल जीने का है, जो हुआ है वो हुआ है, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। मैं प्लानिंग ऐसा कर रहा हूँ कि मुझे 100 साल जीने का है, तो वर्तमान में जीने का है, आज का पहला दिन और आखिरी दिन है, खुश है, जो भी मेरे पास में वो खुश है, मैं उससे खुश हूँ, ये जो है मिला वो बस वही मेरा क्षण है और वही मेरा आनंद है, ना कि कुछ दिन एक दिन मिलेगा, ऐसा नहीं है। और फिर प्लानिंग मैं 100 साल की कर रहा हूँ, खुद को वॉरियर बना रहा हूँ, खुद को पावरफुल बना रहा हूँ, ऐसा पावरफुल की परिस्थिति कैसी भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं उसका सामना ताकत से कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पूछ के परिस्थिति नहीं आती है, मुझे परमिशन लेके कोई मेरे सामने मुश्किलें आती नहीं है, जैसे जैसे मुश्किलें आ रही वैसा वैसा उसका सामना करना, ना कि चिंता करते जाना आगे क्या होगा, ये होगा वो होगा, टेंशन एंग्जाइटी कुछ भी किया तो भी जीवन का जो अर्थ है वो आपको अपने आप को निकालना पड़ेगा कि जीवन का अर्थ क्या है मेरे लिए। वैसा जीवन जो है, लाइफ जो है, वो घटित है। आप आज नहीं थे तभी जीवन हो रहा था, आप यहाँ से निकल जाएंगे तभी जीवन चलेगा, आप नहीं थे तभी काफ़ी सालों से ये जीवन, ये पृथ्वी के ऊपर काफ़ी सारे लोग ये जीवन चालू है, और आप आए और यहाँ से आप निकल भी गए तभी ये जीवन चलते जाएंगा, ये पृथ्वी के ऊपर लोग रहेंगे, कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। 730 करोड़ लोगों की आबादी अभी दुनिया में है, क्या फ़र्क पड़ रहा है आप है या नहीं है, तो कुछ भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं। और हमको ये देखना है कि मैं जो मेरा जीवन जी रहा हूँ, ना कि मेरे लिए जी रहा हूँ सिर्फ, क्योंकि मेरे लिए जब जीता हूँ वो तो जानवर जीते हैं, जानवर अपने लिए जीते हैं, मुझे जो जीवन जीना है, मुझे अर्थ जो निकालना है, वो मैंने लोगों के लिए मेरा जीवन जीने का है, लोगों के लिए खड़े होने का है, कुछ तो भी लोगों के लिए जब मैं करता हूँ, आप ही आप लोग भी मेरे लिए करेंगे, मैं जब लोगों का दुख दूर करता हूँ लोग भी मेरा दुख दूर करेंगे, लोगों को मैं खुशी बांटता हूँ लोग भी मुझे खुशी देंगे, मुझे मेरी चिंता ही करनी नहीं है, मुझे मेरे ऊपर ख्याल ही देने का नहीं है, ये क्षण में जीने का है, जो भी जी रहा हूँ वो लोगों के लिए जी रहा हूँ, आप ही अपना जीवन पावरफुल हो जाएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और बेल आइकॉन आता है उसके ऊपर क्लिक करो, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएंगे। हमारा जो मिशन है वो है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, सबको शक्तिशाली बनाना, तो इसमें आपका भी हाथ लग जाएगा। आपको अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।